तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग फंगी पार्ट टू देखे थे। उसमें हम लोग फंगी का बेसिक के बारे में पढ़े थे। कुछ इम्पोर्टेंट भी उसमें पॉइंट था, जैसे डाइकैरियोकेट किसमें देखने को मिलता है, एस्कोमाइसिटिस और बेसिडोमाइसिटिस। अल्बुगो जो होता है वो फंगी है, वो किस पे जनरली देखने को मिलता है, मस्टर्ड पे। तो ये सब जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ये आपको याद रखना है। फिर सेक्सुअल साइकिल जो था, सेक्सुअल साइकिल से रिलेटेड उसको भी याद रखना है आपको। फिर फाइकोमाइसिटिस का जो एग्जाम्पल है, जैसे यहाँ पे म्यूकर है, राइजोपस है, अल्बुगो है, तो ये सब आपको ध्यान में हमेशा रखना है, इसे भूलना नहीं है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे फाइकोमाइसिटिस के बाद। तो फाइकोमाइसिटिस के बाद जो आपका टॉपिक है वो है एस्कोमाइसिटिस। ये जो एस्को होता है, एस्को मतलब होता है शाक, तो एस्कोमाइसिटिस को हम लोग शाक फंगी बोलते हैं। अब शाक फंगी क्या है, यहाँ पे देखिए, ये देखिए कटोरा लेके यहाँ पे शेप होता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं शाक फंगी। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है कटोरा जैसा शेप, इस कटोरा में आप पानी भी रखिएगा तो ये पानी नीचे नहीं गिरता, इसी में रहेगा, इतना अच्छा ये फंगी है। तो पहले के जमाना में इसमें पत्ता वगैरह या कुछ और चीज डालकर यहाँ पे पानी भी पीते थे लोग, शाक फंगी। तो एकदम कटोरा जैसा शेप का है, इसी को बोलते हैं शाक फंगी। और ये आपको किसमें देखने को मिलेगा, एस्कोमाइसिटीज वाले में। तो शाक फंगी जनरली एस्कोमाइसिटीज में देखने को मिलता है, एस्कोमाइसिटीज वाले पोर्शन में देखने को मिलता है। यहाँ पे भी देखिए, ये भी क्या है, शाक फंगी, और ये भी क्या है, एस्कोमाइसिटीज। तो आपको समझ में आ गया एस्कोमाइसिटीज को क्यों शाक बोलते हैं, क्योंकि शाक का मतलब होता है कटोरा जैसा शेप, तो जिसमें कर्व शेप देखने को मिलेगा, कर्व कर्व शेप, जो कर्व शेप वाला फंगी होगा उसी को हम लोग बोलते हैं शाक फंगी। तो ऐसा किसमें देखने को मिलता है, एस्कोमाइसिटीज में। तो यहाँ पे एस्कोमाइसिटीज कॉमनली नोन एज शाक फंगी इसको बोला जाता है। द एस्कोमाइसिटीज आर मोस्टली मल्टी सेलर, तो ये ज्यादातर मल्टी सेलर ही होता है, लेकिन एक जो है जो रेयरली पाया जाता है वो है यूनिसेलर, जिसका नाम है ईस्ट। तो जो ईस्ट है आपका, पहले भी हम लोग पढ़े थे, जो ईस्ट होता है वो क्या होता है, यूनिसेलर, ईस्ट आपका यूनिसेलर है। तो चलिए आपको दिखा देते हैं ईस्ट को। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको ईस्ट दिख रहा है, इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, बहुत सारा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, ये आपका ईस्ट है, ये देखिए, ये आपका ईस्ट है, और ये जो ईस्ट होता है ये क्या होता है, यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर। और ये जो है ये किसमें पाया जाता है, तो ये पाया जाता है एस्कोमाइसिटिस के अंदर, एस्कोमाइसिटिस। ईस्ट को और भी नाम से हम लोग जानते हैं, जिसको बोलते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, साठ चारों साक चारो माइसिस, तो ये इसका एक और नाम है, किसका, ईस्ट का, ये ईस्ट का नाम है। तो ये एस्कोमाइसिटीज में आता है। एस्कोमाइसिटीज में आपका एक और आता है जिसको बोलते हैं पेनिसिलियम, जिससे पेनिसिलिन एंटीबायोटिक जो टैबलेट होता है इसी से बनता है। तो ये पेनिसिलिन जो है ये भी आपका एस्कोमाइसिटीज में पाया जाता है। तो अब फिर से रिटर्न होते हैं, तो यहां तक आपका क्लियर हो गया है। अब यहाँ पे देखिए, ईस्ट जो है, ईस्ट का एक और नाम है जिसको बोलते हैं साकचारोमाइसिस। दे आर सैप्रोफाइटिक, सैप्रोफाइटिक का क्या मतलब होता है, तो जो फंगी होता है वो डेड डिकेइंग पे ही निर्भर होता है, इसी को बोलते हैं सैप्रोफाइटिक। तो ये जो एस्कोमाइसिटिस है ये क्या है, सैप्रोफाइटिक। केवल एस्कोमाइसिटिस है नहीं, टोटल फंगी सैप्रोफाइटिक होता है, क्योंकि फंगी का नेचर ही है सेप्रोफाइटिक। ये जो होता है डिकम्पोजर के जैसा काम करता है फंगी, इसी के लिए जाना जाता है सेप्रोफाइटिक। डिकम्पोजर पारासिटिक भी होता है जो दूसरे पे डिपेंड होता है, कोप्रोफाइलस भी होता है। कोप्रोफाइलस का मतलब क्या है, जो जो डंक होता है, डंक
मतलब जो गोबर ही सब जो गोबर पे फंगी उगता है ना, ग्रो करता है, तो उसी को बोलते हैं कोप्रोफाइलस। तो जो गांव देहात के लोग हैं वो देखे होंगे कि गोबर पे बरसात के टाइम पे बहुत ज्यादा खोखड़ी देखने को मिलता है, जिसको बोलते हैं फंगी, और लोग उसको खाते भी हैं। अब यहाँ पे माइसेलियम देखते हैं, जो माइसेलियम होता है इसका वो ब्रांच होता है सेप्टेट, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी का माइसेलियम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सबका आपको याद रखना होगा। तो इसको माइसिटिस का जो माइसेलियम होता है वो ब्रांच और सेप्टेट होता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और फर्स्ट लेक्चर में ही सेप्टेट ये सेप्टेट क्या होता है बताया गया है। तो यदि आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि सेप्टेट और ब्रांच क्या होता है, तो आप फर्स्ट लेक्चर जरूर देखें। द असेक्सुअल स्पोर आर कोनिडिया प्रोड्यूस इक्सोजेनेसली। इक्सोजेनेसली का क्या मतलब होता है, वो बाहर में डेवलप होता है, तो जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बाहर में डेवलप हुआ है, तो एसेक्सुअल स्पोर जो कोनिडिया होता है, ये कोनिडिया है यहाँ पे, और ये जो कोनिडिया है ये बाहर में ही डेवलप हुआ है, इसीलिए इसको इक्सोजेनेसली बोला गया है। ऑन द स्पेशल माइसेलियम कॉल्ड कोनिडियोफोर, और इस पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, कोनिडियोफोर, कोनिडियोफोर। कोनिडिया ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस माइसेलियम, अब यही जर्मिनेट करेगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा, माइसेलियम, माइसेलियम प्रोड्यूस करेगा। कोनिडिया ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस माइसेलियम, तो कोनिडिया जर्मिनेट करेगा तो माइसेलियम फिर से बनाएगा। अब सेक्सुअल स्पोर पे आते हैं, क्योंकि ये असेक्सुअल था, सेक्सुअल स्पोर आर कॉल्ड एस्को स्पोर, तो एस्को माइसिटिस में जो सेक्सुअल स्पोर बनता है वो एस्को स्पोर होता है, इसीलिए इसका नाम है एस्को माइसिटिस, विच आर प्रोड्यूस इंडोजेनेसली, और ये जो होता है इंडोजेनेसली होता है, अंदर में पाया जाता है, सेक्सुअल जितना भी होता है जनरली सब अंदर में ही होता है। इन सैक लाइक एसी, देखिए यहाँ सैक, तो एस्को मतलब सैक ही होता है, इसीलिए यहाँ पे एस्को स्पोर भी इसी के नाम पर यहाँ पे सैक फंगी इसको बोला जाता है। These AC are arranged in different type of fruiting bodies. Fruiting bodies भी बताया गया है कि क्या होता है, यदि ये भी इसमें भी अगर आपको दिक्कत है तो फर्स्ट लेक्चर आपको जरूर देखना होगा। तो अगर आपको दिक्कत है तो सबसे पहले फर्स्ट लेक्चर जाकर देखें, इसके बाद इस लेक्चर को दोबारा आकर देखें। तो देखिए फ्रूटिंग बॉडीज, जो फ्रूटिंग बॉडीज बनाएगा उसी को बोलते हैं एस्को कार। तो ये जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है, कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा इसमें एस्को स्पोर के द्वारा होता है, और उससे फ्रूटिंग बॉडीज बनेगा, और फ्रूटिंग बॉडीज जब बन जाता है पूरा उसी को बोलते हैं एस्को कार, तो नाम दिया गया। सम एग्जाम्पल आप एस्परगिलस, तो इसमें जो आता है एस्को माइसिटिस में, इसका एग्जाम्पल एस्परगिलस यहाँ पे आपको दिख रहा है, एस्परगिलस। क्लेवी सेप, क्लेवी सेप भी इसका एग्जाम्पल है। अब क्लेवी सेप कैसा होता है यहाँ पे देख लेते हैं, देखिए यहाँ पे क्लेवी सेप, यहाँ पे देखिए ये तो आपको देखने को मिल रहा है, ये है क्लेवी सेप, जिसको बोलते हैं ईरगोट ऑफ राई, यहाँ पे देखिए ईरगोट ऑफ राई, ये जो है यहाँ पे राई है आपका, ये राई, और इस राई में यहाँ पे ब्लैक ब्लैक आपको देखने को मिलता है, इसी को बोलते हैं ईरगोट ऑफ राई, ये जो ब्लैक ब्लैक पोर्शन है इसी को ईरगोट ऑफ राई बोला जाता है। तो ये जो पोर्शन है आपका इसी को बोलते हैं ईरगोट ऑफ राई। इसके बाद जो दूसरा जो एग्जाम्पल है वो है न्यूरोस्पोरा, ये आपको बहुत सारा पेड़ में देखने को मिलेगा, जो पेड़ सड़ जाता है तो वहां पे इस तरह का आपको देखने को मिलेगा, इसी को बोलते हैं न्यूरोस्पोरा, ये फंगी ही है। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी ईरगोट ऑफ राई है, ये जिसमें लग जाएगा राई सब में पूरा बर्बाद कर देता है, तो इस फंगी का क्या नाम है, क्लेवी सेप परफ्यूडा। तो नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन अब हम लोग का नाम धरे नहीं है, सब अंग्रेज लोग नाम धरा है, तो सब उठपटांगे नाम धरता है, तो इसका नाम है क्लेवी सेप परफ्यूडा, नहीं तो हम लोग रहते थे इसका नाम रख देते।
बसंत, तो कुछ भी नाम रख सकते थे, लेकिन यहाँ पे अंग्रेज सब नाम धरे हैं। तो इसका नाम है क्लेविसे पर्फ्यूरा। इसका नाम, ये जो फंगी है, इसका नाम है, जो ट्री पे होता है, सड़ा गला पे, तो इसका नाम है न्यूरोस्पोरा। ये कुछ नाम ठीक ठाक है। फिर और मोरल्स ट्रफल्स भी पाया जाता है, जिसको जनरली खाया जाता है, आप इसको खा सकते हैं। देखिए यहाँ पे डिलीशियस बनाया गया है, इसको आप खा सकते हैं। तो इसको खाने से कोई दिक्कत नहीं है। तो कुछ फंगी को हम लोग खाते भी हैं, कुछ फंगी पॉइजनस भी होता है। पॉइजनस फंगी को क्या बोलते हैं, ये कमेंट में आप लिखिएगा, और हम उस कमेंट को देखेंगे कि आप सही लिखे हैं या नहीं। तो कमेंट में आपको जरूर लिखना है कि पॉइजनस फंगी को क्या बोलते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है? तो यहाँ पे देखिए, एस्कोमाइसिटीज में अभी हम लोग देखें, क्लेविसेप एग्जाम्पल है, न्यूरोस्पोरा भी एक एग्जाम्पल है। न्यूरोस्पोरा जो होता है, इज यूज्ड एक्सटेंसिवली इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो न्यूरोस्पोरा होता है, इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है, बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क में, बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क। आप जब भी इस लेक्चर को देखते हैं, तो इस लेक्चर को हमेशा हाई क्वालिटी में देखिएगा, 1080 में, क्योंकि अगर आप उतना में देखते हैं HD में भी, तो आपका ज्यादा MB खर्चा नहीं होगा, क्योंकि ये ज्यादा से ज्यादा 100 MB तक ही आपका कंज्यूम करेगा HD में देखते हैं। तो इसीलिए मेरा रिक्वेस्ट है, आप हमेशा लेक्चर को HD में ही देखें, 1080 में। मैनी मेंबर लाइक मोरल ट्रफल्स आर एडिबल एंड कंसिडर डिलीशियस। इसका खाना खाने में बहुत मजा आता है, मोरल ट्रफल्स। तो शादी ब्याह में आपको ये देखने को मिलेगा, आजकल मशरूम बहुत शादी ब्याह में मिलता है, तो मोरल ट्रफल्स भी आपको देखने को मिलेगा। वैसे यहाँ रांची में, झारखंड में तो मिलता नहीं है। तो मोरल ट्रफल्स देख लेते हैं, ये कैसा है। ये देखिए, ये है आपका मोरल्स, और ये है आपका ट्रफल्स। तो ये जो है, ये आपका मोरल्स है, ये आपका ट्रफल्स है, और इसको हम लोग खा भी सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। बस बनाने वाले अच्छा बना देंगे तो अच्छा ही लगेगा। अब हम लोग पढ़ेंगे एस्कोमाइसिटिस के बाद बेसिडोमाइसिटिस। अब इसका नाम बेसिडो क्या क्यों पड़ा है, इसके भी पीछे कहानी ही होगा, तो चलिए देखते हैं। बेसिडोमाइसिटिस, इसका जो सेक्सुअल स्टेज होता है, वो आपका होता है बैसिडियम। तो सेक्सुअल स्टेज तो हम लोग पढ़े थे, तो इसका जो सेक्सुअल स्टेज होता है, वो बैसिडियम होता है, इसीलिए इसका नाम है बैसिडोमाइसिटिस। तो बैसिडोमाइसिटिस कॉमनली नोन फॉर्म्स ऑफ बैसिडोमाइसिटिस आर मशरूम। तो इसमें जो ज्यादातर देखने को मिलेगा, वो मशरूम देखने को मिलेगा, और बहुत अच्छा अच्छा मशरूम है। ये देखिए, ये आपका मशरूम है एकदम, तो व्हाइट व्हाइट कलर का, और इसी को हम खाते हैं जनरली। मेरा फेवरेट मशरूम यही है, और शायद आपका भी होगा, क्योंकि ये जनरली मार्केट में मिलता है 50 रुपया का, 2500 ग्राम या 250 ग्राम शायद रहता है। तो ये मशरूम आप जनरली देखे होंगे, बैसिडोमाइसिटिस है ये। तो अगर आप कहीं पे ये मशरूम देखते हैं, तो आपको ध्यान में आना चाहिए कि ये बैसिडोमाइसिटिस का है। इसको हम लोग जनरली कॉमन नेम से भी बोलते हैं ब्रैकेट फंगी। तो इसमें ब्रैकेट फंगी भी इसका कॉमन नेम है। इसको पॉप बॉल्स भी बोलते हैं, क्योंकि देखिए बॉल की तरह दिख रहा है। तो ये जो है, इसको हम लोग जनरली पॉप बॉल भी बोलते हैं, पॉप बॉल। तो इसको पॉप बॉल भी बोलते हैं। दे ग्रो इन सोयल ऑन लॉग्स एंड ट्री स्टम। तो ये सोयल पे जनरली देखने को मिलेगा, पूरा वगैरह पे भी देखने को मिलेगा, और कुछ ट्री पे भी देखने को मिलता है। एंड इन लिविंग प्लांट बॉडीज एज पारासाइट। तो उस पर क्यों रहेगा, क्योंकि पारासाइट के रूप में, सेप्रोफाइटिक पारासाइट, उस पर डिपेंड है। बैसिडोमाइसिटिस के अंदर जो हमें जिस टाइप का फंगी देखने को मिलता है, उसमें आपका रस्ट और स्मट्स वाले हैं। अब रस्ट क्या है, स्मट्स क्या है, उसको भी हम लोग देखेंगे। अब पहले देखे थे कि जो पुसिनिया एक होता है, जिसको रस्ट फंगस बोला जाता है। यहाँ पे देखिए,
यहाँ पे देखिए, जो पुसीनिया होता है उसको हम लोग रस्ट फंगस बोलते हैं, और जो स्मट होता है उसको बोलते हैं उस्टीलागो। ये आपका बैसिडोमाइसिटिस का एग्जाम्पल है। तो बैसिडोमाइसिटिस का जो एग्जाम्पल उस्टीलागो जिसको स्मट बोलते हैं, और पुसीनिया जो कि रस्ट फंगस है, और एगेरिकस जो आप यहाँ पे देख रहे हैं जिसको खाने में भी बहुत मजा आता है, ये एगेरिकस है जो कि फंगी है। तो ये इसका एग्जाम्पल है, तीन इसका एग्जाम्पल है। ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि बैसिडोमाइसिटिस का कौन कौन एग्जाम्पल है। एगेरिकस जो मशरूम हम लोग खाते हैं, मजा भी आता है खाने में, और शादी ब्याह में जनरली आपको देखने को मिलेगा। फिर आपका उस्टीलागो है जो कि पूरा खेत को बर्बाद कर देता है। यहाँ पे देखिए उस्टीलागो, ये देखिए उस्टीलागो, ये जिस खेत में लगेगा पूरा मकई बर्बाद कर देगा, और फिर मकई हम लोग खा नहीं पाएंगे। तो देखिए उस्टीलागो जो है जनरली मक्का में आपको देखने को मिलेगा, जिसको मकई भी बोलते हैं। और ये स्मट का क्या मतलब होता है, ये देखिए स्मट जो है, स्मट का मतलब होता है ब्लैक एंड डर्टी मार्क। यहाँ पे देखिए इस फंगी को अगर ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे ब्लैक ब्लैक आपको देखने को मिलेगा। अगर नहीं दिख रहा है तो आप चश्मा लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको ब्लैक और व्हाइट देखने को मिल रहा है, तो यही ब्लैक एंड डर्टी मार्क, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्मट। तो ब्लैक एंड डर्टी मार्क को ही हम लोग बोलते हैं स्मट, जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये जनरली किसमें देखने को मिलता है, मेज में। और ये कौन सा में आता है, फंगी का कौन सा पार्ट में, तो बैसिडोमाइसिटिस, ये इतना याद रहेगा। फिर यहाँ पे देखिए व्हीट रस्ट, ये है आपका व्हीट रस्ट, ये देखिए ये है व्हीट रस्ट, ये पुसीनिया इसका नाम है, व्हीट रस्ट पुसीनिया। ये देखिए ये अगर व्हीट में लग जाएगा तो पूरा गेहूं का फसल बर्बाद हो जाता है, और गेहूं का फसल बर्बाद हो जाएगा तो फिर हम लोग, जैसे मेरे घर खेती होता है तो गेहूं का फसल बर्बाद हो जाएगा तो फिर खाएंगे क्या, फिर मार्केट से खरीदना पड़ेगा। तो इसीलिए किसान के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो जब खेत में ये पोसीनिया देखने को मिलता है तो हम लोग कुछ पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं जो बॉडी के लिए हानिकारक है, लेकिन सबसे पहले पेट पूजा है जरूरी। तो इसीलिए यहाँ पे इसमें हम लोग दवा का छिड़काव करते हैं, और फिर ये जो व्हीट रस्ट है पुसीनिया इसको मार देते हैं। तो ये किस में आता है, बैसिडोमाइसिटिस में। अब यहाँ पे आगे देखते हैं, द माइसिलियम इज ब्रांच्ड, इसका माइसिलियम ब्रांच्ड एंड सेप्टेड होता है। अभी जस्ट हम लोग यही चीज पढ़े थे, एस्कोमाइसिटिस में भी ब्रांच और यहाँ पे सेप्टेड देखने को मिला था, और यहाँ पे भी बैसिडो में भी ब्रांच और सेप्टेड है। द असेक्सुअल स्पोर आर जनरली नॉट फाउंड, तो यहाँ पे ए सेक्सुअल स्पोर नहीं पाया जाता है, यहाँ पे केवल सेक्सुअल स्पोर पाया जाता है। बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन इज कॉमन, तो यहाँ पे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है जो कि है फ्रेगमेंटेशन। द सेक्स ऑर्गन आर अब्सेंट, यहाँ पे सेक्स ऑर्गन नहीं है। बट प्लाज्मोगैमी इज ब्रॉट अबाउट द फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव, लेकिन प्लाज्मोगैमी होता है। तो बस आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है, इसका सेक्सुअल स्टेज में बैसिडियम एक पार्ट है, बैसिडियम आता है, इसीलिए इसको बैसिडियोमाइसिटिस बोलते हैं। और सेक्सुअल स्टेज में ये बैसिडियो स्पोर बनाएगा, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप पढ़े हैं बैसिडियो स्पोर। और ये जो बैसिडियो स्पोर है ये एक्सोजेनियसली प्रोड्यूस होता है इन द बैसिडियम। तो ये अगर आपको याद भी नहीं है तो कर भी चलेगा, लेकिन इसका सेक्सुअल स्टेज में बैसिडियम आता है, और ये जो होता है डाइकैरियोफेज में आता है, ये आपको ध्यान में रखना है डाइकैरियोफेज, क्योंकि डाइकैरियोफेज केवल दो ही में देखने को मिलता है, कौन कौन सा, तो एक है एस्कोमाइसिटिस और दूसरा जो है वो है बैसिडोमाइसिटिस। तो इसको भूलना ही नहीं है, आप अपना नाम भुला ही भूल जाइए लेकिन इसको भूलना नहीं। तो डाइकैरियोफेज दो में मिलता है, एस्कोमाइसिटिस और बैसिडोमाइसिटिस। तो अब हम लोग आगे चलते हैं, अगर आपको भूख लगा है तो इस मशरूम को खा सकते हैं, हम अलाउ करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं, नेक्स्ट आपका जो है
वो लास्ट पार्ट है जो है ड्यूटरोमाइसिटीज। अब ड्यूटरोमाइसिटीज इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पे है इकोमोली नोन इज इम्परफेक्ट फंगी। ये जो है इम्परफेक्ट फंगी है। इसको इम्परफेक्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ओनली असेक्सुअल इसमें पाया जाता है, सेक्सुअल स्टेज अब्सेंट होता है। तो यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है ड्यूट्रोमाइसिटीज। ड्यूट्रोमाइसिटीज किस चीज से जाना जाता है? इम्परफेक्ट फंगी। ये नीट बहुत सारे एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, इम्परफेक्ट फंगी। इम्परफेक्ट फंगी क्यों बोला जाता है इसको? क्योंकि इसके पास सेक्सुअल स्टेज अब्सेंट है। क्योंकि इसके पास सेक्सुअल जो स्टेज है सेक्सुअल स्टेज या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहां पे लिख सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अब्सेंट। तो क्या प्रेजेंट होगा? ओनली असेक्सुअल स्टेज आर प्रेजेंट। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? इम्परफेक्ट फंगी। यहां तक क्लियर है? अगर आपसे कोई भी पूछेगा कि ड्यूट्रोमाइसिटी जो है उसको इम्परफेक्ट फंगी क्यों बोला जाता है, तो आपको क्या बताना है? क्योंकि इसके पास असेक्सुअल स्टेज केवल पाया जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो अब्सेंट होता है। याद रहेगा? वैसे कोई पूछने वाला नहीं है, हम ही पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ड्यूट्रोमाइसिटीज को इम्परफेक्ट फंगी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके पास केवल असेक्सुअल स्टेज होता है। अब असेक्सुअल स्टेज है तो वेजिटेटिव फेज भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे वेजिटेटिव फेज भी देखने को मिलता है व्हेन द सेक्सुअल फॉर्म ऑफ दिस फंगी वेयर डिस्कवर। अब जब ड्यूट्रोमाइसिटिस का जो कैरेक्टर है उससे जब कुछ फंगी डिस्कवर हुआ, खोजा गया, तो अब जो आदमी बोला था कि ये इम्परफेक्ट फंगी है, इसमें केवल असेक्सुअल होगा, वो बोला कि अगर तुमने किया तो हम गुस्सा जाएंगे। तो उस सब जो साइंटिस्ट जो डिस्कवर किए थे उसको एस्कोमाइसिटीज और बैसिडोमाइसिटीज में डाल दिए। बोले कि हम तुम्हारा भाई इज्जत करते हैं, इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। तो उसके रेस्पेक्ट के कारण क्या किया गया? जितना भी फ्यूचर में डिस्कवर हुआ जिसमें सेक्सुअल स्टेज देखने को मिला और ड्यूट्रोमाइसिटीज में रखा जा सकता था, उस आदमी के रेस्पेक्टनेस के कारण उसको कहाँ डाला गया? एस्कोमाइसिटीज और बैसिडोमाइसिटीज। ये फर्स्ट टाइम यूट्यूब में बताया जा रहा है कि ऐसा हुआ था। तो ये है इसके पीछे की कहानी। तो इसीलिए हर आदमी को रेस्पेक्ट देना है। इतने बड़े साइंटिस्ट लोग, एक साइंटिस्ट को रेस्पेक्ट दे दिए हैं, तो आप भी एक थोड़ा सा रेस्पेक्ट कीजिए। और जो कमेंट होता है, कमेंट में कुछ ना कुछ जरूर लिखिए लेक्चर से रिलेटेड। अगर आपको लेक्चर में कुछ नहीं समझ में आया तो लेक्चर में लिखिए कमेंट में, उस कमेंट को हम देखेंगे। अगर कुछ लाएगा कि वहीं पे रिप्लाई दिया जा सकता है तो वहीं पे रिप्लाई मिल जाएगा। अदरवाइज आप डायरेक्ट व्हाट्सएप से भी कनेक्ट हो सकते हैं, आप व्हाट्सएप क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो बहुत सारा फैसिलिटी है। और ये जो है ब्रेन रिकॉलिंग टेक्निक से आपको पढ़ाया जाता है व्हाट्सएप पे। अब ब्रेन रिकॉलिंग टेक्निक क्या है ये हम यूट्यूब पे जनरली नहीं बता सकते हैं। यदि आप वहां पे आते हैं तो वहां पे आपको बताया जाएगा। पूरा ब्रेन जैसे काम करता है वैसे ही उस सिस्टम को बनाया गया है। यदि आप व्हाट्सएप क्लासेस को ज्वाइन करते हैं तो आप उसको जान सकते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो चलिए आते हैं ड्यूट्रोमाइसिटीज पे। व्हेन द सेक्सुअल फॉर्म ऑफ दिस फंगी वेयर डिस्कवर, तो वही चीज हुआ कि जब डिस्कवर हुआ तो साइंटिस्ट लोग उसको दूसरे में डाल देते हैं। तो ये सब कहानी वही चीज है, आप पढ़ लीजिएगा। वन परफेक्ट सेक्सुअल स्टेज ऑफ मेंबर ऑफ ड्यूट्रोमाइसिटीज वेयर डिस्कवर। तो यहाँ पे भी डिस्कवर हुआ लेकिन दे वेयर ऑफन मूव टू एस्कोमाइसिटीज, लेकिन उसको एस्कोमाइसिटीज में डाल दिया गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं और बैसिडोमाइसिटीज में रख दिया गया। तो यदि आप साइंटिस्ट बनिएगा तो फिर इसको ला दीजिएगा यहाँ पे।
The deuteromycetes reproduce only by asexual spore. तो जो deuteromycetes होता है वो केवल asexual spore से ही reproduce करता है, जो कि है आपका conidia. The mycelium is septate and branch. ये जो mycelium होता है ये septate और branch होता है. तो अभी तीन को जो था वो सब septate branch देखने को मिला, केवल एक asepted है. कौन सा है? phycomycetes. तो जो phycomycetes होता है वो आपका ब्रांच, वो आपका एसेप्टेट होता है. तो ये आपको ध्यान रखना है, केवल वही है जो कि एसेप्टेट होता है. कौन? phycomycetes. सम मेंबर आर सैप्रोफाइट, कुछ पैरासाइट होता है, और लार्ज अमाउंट में जो होता है डिकम्पोजर होता है ऑफ लीटर एंड हेल्प इन मिनरल साइक्लिंग. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो होता है हेल्प करता है मिनरल साइक्लिंग. जैसे जो गंदा चीज होता है, जैसे जो स्वेज निकलता है, स्वेज मतलब लैट्रिन बाथरूम से जो निकलता है उस पर ये फंगी बैठ जाता है और उसको धीरे धीरे खाकर खत्म कर देता है. तो ये क्लीनिंग में भी हेल्प कर रहा है, मिनरल साइक्लिंग में भी. सम एग्जाम्पल आर, कुछ एग्जाम्पल है इस फंगी का, उसका नाम है अल्टरनेरिया. तो इसको यहाँ पे डिकम्पोजर ऑफ लीटर एंड हेल्प इन मिनरल साइक्लिंग, तो इसको आप नोट कर सकते हैं. कौन हेल्प करता है? ड्यूट्रोमाइसिटी. इसका एग्जाम्पल कौन सा है? अल्टरनेरिया, कोलेट, तो ट्राइकम और ट्राइकोडर्मा. चलिए देखते हैं इसको. ये देखिए, ये है अल्टरनेरिया. ये भी अगर इसको जनरली आप लीफ में देखे होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो आप घर से थोड़ा सा बाहर निकलिए और आप जहाँ पे सब्जी का रहता है, वेजिटेबल वाला जो खेत होता है, उस खेत में जाइए और पत्ता को ध्यान से देखिए, आपको इस तरह का जरूर देखने को मिलेगा. तो थोड़ा सा घूमना फिरना भी है, तो ये जो है ये वाला पोर्शन ये आपको देखने को मिलेगा खेत में, इस तरह का आपको जरूर देखने को मिलेगा. तो वहां पे जब आप देखिएगा तो दिमाग में तुरंत आएगा कि अल्टरनेरिया जो है वो यही है, अल्टरनेरिया वाला फंगी ये कमाल किया है और इसको जल्दी से जल्दी खत्म करना है. तो पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करेंगे. फिर यहाँ पे देखिए, अल्टरनेरिया हो गया, इसके बाद यहाँ पे है कोलेटो ट्राइकम. अब ये जो कोलेटो ट्राइकम है ये देखिए, ये आपका परसबीन में देखने को मिलता है. परसबीन अगर आप खाए होंगे, वैसे तो उगाए नहीं होंगे, हम परसबीन लगाए थे लेकिन सारा परसबीन खत्म हो गया, मतलब खराब हो गया, यही कोलेटो ट्राइकम लग गया था उसमें. फिर पेस्टिसाइड लाए और उसको छिड़क दिए, तो जितना भी था अब इतना ज्यादा पेस्टिसाइड डाल दिए कि मेरा परसबीन भी खराब हो गया. तो ऐसा नहीं करना है, लिमिट भर यूज करना है. तो ये जो है कोलेटो ट्राइकम फंगी है, जैसे ही आप पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कीजिएगा, तो इसके लिए केमिकल्स आता है, तो जैसे ही कीजिएगा ये खत्म हो जाएगा ये फंगी, और परसबीन आपका बच जाएगा. तो अगर आप परसबीन खाए हैं तो ऐसा आपको वहां पे देखने को मिलेगा. सब में नहीं होता लेकिन कुछ कुछ में जरूर होता है कोलेटो ट्राइकम. फिर यहाँ पे है ट्राइकोडर्मा, ये बायो फर्टिलाइजर होता है. तो जो खेती जो करते हैं वो ट्राइकोडर्मा का जनरली इस्तेमाल करते हैं और ये खेत में डाला जाता है, ये बायो फर्टिलाइजर होता है. तो ये तीन आपको एग्जाम्पल ड्यूट्रोमाइसिटीज में याद रखना है, कौन कौन सा? अल्टरनेरिया, कोलेटो ट्राइकम और ट्राइकोडर्मा. ये तीनों याद करना है. और यदि आप व्हाट्सएप क्लासेस से ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले वेरिफिकेशन प्रोसेस से गुजरना होगा, जो कि है 8789409096. इस पे आपको व्हाट्सएप करना है और फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा. यदि आप एलिजिबल होंगे तब आपको ब्रेन रिकॉलिंग टेक्निक से आपको पढ़ाया जाएगा, और उसका ज़्यादा प्राइस नहीं है, ओनली 100 रुपीज पर मंथ आपको देना है, जो इंडिया का सबसे चीपेस्ट प्राइस है. तो आप ज्वाइन हो सकते हैं इजिली. तो आज ये जो लेक्चर है, मतलब ये जो फंगी है, ये आपका कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे. इसके बाद आपका वायरस का लेक्चर मिलेगा.
तो इसको ध्यान से पढ़ना है। यदि आपको कहीं पे भी दिक्कत होता है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, और यदि आपको अच्छा लेक्चर लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में भी लिखिए कि सर बहुत अच्छा लेक्चर है, जिससे हमको मोटिवेट मिले।